तुलसी बाबा यहीं पर पंचवटी में आगमन कराते हैं किसका? सूर्पनखा का महाराज। क्योंकि जब तक वैराग्य तो है लेकिन ज्ञान ना हो, भक्ति ना आए, तब तक आसक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती। और सूर्पनखा क्या है? आसक्ति का रूप है महाराज। ये डोलती रहती, भटकती रहती है, ये आसक्ति पकड़ती रहती है। इसलिए जिसके पास ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, भक्ति आ जाए, वो आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो अभी तक आगमन नहीं कराया था, अब गोस्वामी जी ने आगमन कराया जब लखन लाल को उपदेश मिल चुका है, उन्हें इस चीज का ज्ञान हो चुका है। सूर्पनखा ने राम लखन को दूर से ही देखा और देख करके उन पर आसक्त हो गई। एक सुंदरी का वेश धारण किया और आकर के राम जी के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि महाराज तुम साम पुरुष ना मोसाम नारी, तुम साम पुरुष ना मोसाम नारी, नमो काम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूर्पनखा आई और राम जी से निवेदन करने लगी, उनसे कहने लगी कि महाराज आज तक पुरुष तो बहुत देखे लेकिन आपसा नहीं देखा, और शायद विधि ने बड़ी अच्छी जोड़ी बनाई है कि मुझ समान कोई नारी नहीं, आप समान कोई पुरुष नहीं। तो ये जो विधि ने जोड़ी बनाई ना, बड़ी अच्छी जचेगी। महाराज कई जगह घूमी मैं लेकिन आज तक मेरा विवाह हुआ ही नहीं, कोई योग्य वर ही नहीं मिला। झूठ बोल रही है, विवाह हो चुका था, रावण ने इसके पति को मारा था, मारा विवाह हो चुका था, लेकिन झूठ बोल, आसक्ति सदैव झूठ ही बुलाती है ना, इसलिए झूठ ही बोल रही है। कहा महाराज मुझ समान नारी नहीं, तुम समान पुरुष नहीं, आज लग रहा है ये जोड़ी विधि ने सही बना दी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। अब राम जी भी सोचने लगे और जानकी जी की ओर देख करके कहा कि जानकी देख रही हो, यही है आसक्ति, यही है माया। महाराज जानकी जी की ओर देख करके राम जी मानो ये कहना चाहते हैं कि देवी हमारी तो धर्म पत्नी बैठी हुई है साथ में, और चूंकि इस अवतार में हमने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा इसलिए हम तो विवाह करेंगे नहीं, वो सामने हमारा भाई है ना, ये अभी कुंवारा है, इसलिए कि कहा कुंवारा क्योंकि है तो विवाहित ही है लेकिन चूंकि अभी इसकी पत्नी इसके साथ नहीं है ना, तो अभी इसे अविवाहित ही समझो, इसने तपस्वी का रूप लिया, इसलिए तुम जाओ और जा करके इससे कहो तो ये विवाह कर ले तो अच्छा रहे। सूर्पनखा ने देखा और देख करके जा करके कहती है कि महाराज आप मुझसे विवाह कर लो। अब लखन लाल जी ने पीछे टेढ़ी दृष्टि से देखा और सोचते हैं कि मन में आए इतने दिन हो गए लेकिन विवाह का प्रस्ताव पहली बार आया है, सब प्रकार के प्रस्ताव मिले लेकिन विवाह का पहली बार आया, तो देख करके कहते हैं कि देवी बात तो सत्य है, क्योंकि सूर्पनखा कहती है कि महाराज तुम गोरे हो सुंदर हो, तुम्हारा भाई सावला सावला है, इसलिए तुम मुझसे विवाह कर लो। तो लखन लाल कहते कि बात तो तुम सही कह रहे हो, जोड़ी तो अच्छी रहेगी लेकिन क्या करूं, एक समस्या है। कौन सी समस्या है? गोस्वामी जी भाव लिखते हैं, सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, चाह मारे भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति भी विचारी, व्यसनी धन
तो लखन लाल ने कहा कि देवी बात ऐसी है कि मैं तो इनका सेवक हूँ और तुम सेवक से यदि विवाह करोगे तो क्या करना पड़ेगा, मेरा तो कार्य ही यही है, जंगल से लकड़ियाँ लाना, इनके लिए फल फूल लाना, जल की व्यवस्था करना, इनके चरणों को दबाना, तो मेरा तो काम ही यही है। अब सेवक से विवाह करोगी तो तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बैठे हैं ना, ये कौशलाधीश राजा राम है, इनसे यदि विवाह कर लिया ना तो रानी बन जाओगी। अब सोचो भाग्य का। अब शूर्पणखा ने सोचा कि बात सत्य है, बेचारी कहीं राम जी के पास जाए, राम जी लखन के पास भेजे, लखन राम के पास भेजे, दो चार चक्कर लगाए, आसक्ति यही होती है महाराज, दो चार चक्कर लगाए ना उसके बाद स्वरूप बदल देती है, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई और विकराल रूप धारण करके कहती है कि तू इसी की वजह से मुझसे विवाह नहीं करता ना, जानकी जी को मारने के लिए दौड़ी। तब राम जी ने आदेश दिया और राम जी के आदेश पर ही लखन लाल तो तैयारी में ही थे, अपने बाणों को घिस रहे थे, आए और उसके केसों को पकड़ा और कान और नासिका को काट करके हाथ में दे दिया। भयंकर विकराल रूप, मानो मानस कार्य कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसी बन गई कि जैसे विशाल पर्वत हो, गुफा हो और उससे रक्त की धारा निकल रही हो, ऐसी उसकी छवि थी महाराज। भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई, एक क्षण भी नहीं रुकी, अब रुकेगी आसक्ति, समझ गई कि भगवान है, जान गए हैं, इसलिए दौड़ी दौड़ी गई किसके पास, अपने भाइयों के पास, खरदूषण और तिसरा के पास जा करके उनसे कहा कि धिक्कार है तुम जैसे भाइयों को, तुम्हारे रहते तुम्हारी बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। बोले बता तो सही क्या हुआ, तो यहाँ पर फिर से झूठ बोल रही है, ये आसक्ति हमेशा झूठ बोलती है महाराज, ऐसी करती, फिर से झूठ बोल दिया कि दो राजकुमार वन में आए हुए हैं जंगल में और मैं गई जल पीने के लिए, तो उन्होंने मेरा उपहास किया, मजाक बनाया और मेरी नासिका और कान को काट दिया, तो आप जैसे भाइयों के होते उसके बहन की यह दुर्दशा अधिकार है तुम्हें। खरदूषण ने कहा कि तू बता वो कहाँ है, बोले मैं लेके चलूंगी लेकिन वहां तक नहीं जाऊंगी, भाग जाऊंगी पहले ही, क्योंकि उनके पास अब मुझे नहीं जाना, तो मार्ग बताया और ले जा करके पंचवटी में पहुंचा दिया खरदूषण और त्रिश्रा को। 14,000 सेना साथ में है महाराज। राम जी ने लखन लाल को आदेश दिया कि जानकी जी को लेकर के तुम ऊंचे पर्वत में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, क्योंकि इनका उद्धार मैं ही करूंगा। इनको वरदान था, खरदूषण को वरदान था महाराज, इन्होंने तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, सृष्टि में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या वरदान मांगा कि महाराज मृत्यु कैसी हो, हम दोनों ही एक दूसरे को मारे। अब कोई अपने आप को मारेगा, एक दूसरे को मारेगा, नहीं मारेगा। इसलिए भगवान ने ये युक्ति निकाली कि इन दोनों में जब तक मैं नहीं दिखूंगा तब तक ये मारेंगे नहीं। तो भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को सवारा है, चढ़ाया, उसकी टंकार हुई, तो 14,000 जितनी सेना थी वो बहरी हो गई। अब सेना बहरी है जाए तो युद्ध कर पाएगी, राजा की बात सुन पाएगी, तो भगवान ने सेना को तो वहीं पर बहरा कर दिया। और इन दोनों का उद्धार भी ऐसे ही किया कि अपनी छवि एक दूसरे में दिखा रहे हैं, अर्थात दोनों को अपने अंदर राम दिख रहे हैं, एक दूसरे के अंदर राम ही दिख रहे हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को मार दिया महाराज, इनका उद्धार हो गया। शूर्पणखा ने जान लिया और दौड़ी दौड़ी सीधे पहुंची रावण के दरबार में। रावण का दरबार कैसा लगा था कि ऊंचे सिंहासन पर रावण बैठा हुआ, मानो शिखर पर सवार हो ऐसा उसका आसन, उस आसन पर बैठा हुआ था। शूर्पणखा उस दरबार में, उस सभा में रोती चिल्लाती पहुंची, और कभी कभी जो राक्षस भी होते ना वो भी नीति सूत्र की बात करते हैं, और यहाँ पर शूर्पणखा ने भी वही किया और अंत में कहा कि तू सोचता है ना रावण कि मैं ही सबसे बलशाली हूँ, लेकिन तुझसे भी बड़ा बलशाली कोई आ चुका है जिसने तेरे भाइयों को मार दिया, खरदूषण और त्रिश्रा का अंत हो चुका है, तो तू सोचता है ना कि तू ही सबसे बड़ा है, तो तू नहीं है। रोती रोती अंत में सिर्फ यही कहती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को
यदि आप अपने वश में करना चाहते हैं ना, अपना कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, तो उसकी कमजोर नस को पकड़ना चाहिए। अब सूर्पनखा को ये बात पता थी कि रावण की कमजोर नस क्या है, नारी के प्रति आसक्ति। महाराज यदि कामी बड़ा है और नारी के स्वरूप में आसक्त हो जाता है, इसलिए कहा कि तुझे पता है दो पुरुष आए हुए हैं, दो राजकुमार हैं तपस्वियों के भेष में, उनके साथ ऐसी सुंदर नारी, ऐसी सुंदर नारी कि सृष्टि में दूसरी ऐसी कोई नारी हो ही नहीं सकती, और तेरे महल की नारियां तो महाराज उसकी दासी भी नहीं बनने योग्य हैं, ऐसी उसकी सुंदरता है। रावण ने कहा कि अच्छा तू मुझे कहती है कि मुझे वो मार देंगे, मेरे काल हैं, तो तू जा यहाँ से, मैं उनसे देख लेता हूँ उनको जा करके स्वयं। अब रावण ने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब सोने के लिए सैन खंड में गया तो घबरा गया महाराज कि खरदूषण और तृष्णा मेरे ही समान बलशाली थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें मार दिया एक साधारण से पुरुष ने, तो ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्म है, इसलिए मुझे अब इससे बैर करना चाहिए, क्योंकि इस तामसी शरीर से भजन तो होगा नहीं। महाराज रावण बड़ी सुंदर बात कहता है कि होई ही भजन ना तामस मन क्राम बचन मंत्र दृढ़ हुई ही न भजन, कि महाराज इस तामसिक शरीर से तो भजन होगा नहीं, इसलिए यदि ये ब्रह्म है तो इससे वैर करना ही उचित होगा, और वैर करके ही मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए रावण ने निर्णय लिया कि अब मुझे इसका भजन नहीं करना, इससे वैर ही मोल लेना है, यदि ये ब्रह्म है तो अब मेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। रावण सीधे पहुंचता है मारीच के पास, मारीच को जाकर के प्रणाम किया। जब कोई अत्यधिक प्रणाम करता है तो समझ जाओ अपना काम बनवाने आया है। मारीच भी समझ गया कि आज रावण जैसा योद्धा राक्षस हमको प्रणाम कर रहा है, तो जरूर कोई इसका काम है। बोले महाराज बार बार प्रणाम मत करो, काम की बात करो, क्या काम से आयो। तो बोले कि मारीच तुझे मेरा एक काम करना है, स्वर्ण का मृग बन करके चलना है और एक नारी का हरण करना है, दो पुरुष उसके साथ हैं। सारी कथा कह सुनाई, तब मारीच ने कहा कि काय को अपनी मौत को बुला रहे हो महाराज, तुम जानते हो वो बालक कौन है, वो पुरुष कौन है, वो साक्षात ब्रह्म है, और जिसके बिना फल लगे बाण से मारीच की ये स्थिति हुई है कि समुद्र के पार यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मर नहीं रहा हूँ, कीट पतंग चुन रहे हैं लेकिन मर नहीं रहा, सोचो बिना फल का बाण मारा तो ये स्थिति, यदि फल वाला मारा होता तो मारीच की क्या स्थिति होती, इसलिए क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो। वही वाली बात है ना कि आ बैल मुझे मार, तो अपनी मौत को खुद आमंत्रण दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि रावण काहे मंदोदरी की चूड़ियों को तोड़ना चाहती हूँ, क्यों इसका सुहाग बर्बाद करना चाहती हूँ, लौट जाओ। रावण ने कहा कि मारीच तू मेरे स्वभाव से परिचित है, यदि मेरा कार्य नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे तो पता है यदि कार्य कर दिया तो फिर यश का पात्र बन जाएगा। तो मारीच ने सोचा कि मरना तो है ही महाराज, इधर कुआं इधर खाई, दोनों तरफ मरना ही है भाई, इसलिए क्या करे कि मरना ही है, तो इस राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है कि उस ब्रह्म के हाथों मर जाता हूँ। इसलिए मारीच ने निर्णय लिया कि अब मरना तो है ही, तो क्यों ना भगवान के दर्शन करते करते उनके बाण लगने से मरूं।